गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ चाइल्ड्स इवनिंग प्रेयर. ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल पोम एंड इट्स रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज. सो लेट्स बिगिन. अ चाइल्ड्स इवनिंग प्रेयर. एयर ऑन माय बेड माय लिम्ब्स आई ले, गॉड ग्रांट मी ग्रेस माय प्रेयर्स टू से. ओ गॉड, preserve my mother dear in strength and health for many a year. ठीक है, तो एक बच्चा है जो शाम की प्रार्थना कर रहा है और ईश्वर से कह रहा है, air on my, air का मतलब होता है before going on my bed. okay, my limbs means arms, किसी भी इंसान का जो भुजाएं होती हैं, मतलब जो उसके हाथ और पैर होते हैं. ठीक है, limbs I lay, God grant me means भगवान मुझे दीजिए. God grants me grace my prayers to say. God grant me grace, भगवान आप मुझे वर्च्यू दीजिए. ठीक है, गुण दीजिए जो ईश्वर से मिलता है. My prayers to say, मेरी जो प्रार्थना है कहने के लिए. ओ गॉड, हे ईश्वर. प्रिजर्व मीन्स प्रोटेक्ट. प्रिजर्व मीन्स प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट माई मदर डियर मीन्स मेरी मम्मी को, जो मेरी प्यारी माँ है उनको प्रिजर्व करिए. द पोएट प्रेज, यहाँ पे जो पोएट है, जो ये बच्चा है वो प्रार्थना कर रहा है, गॉड प्रिजर्व माई मदर. प्रिजर्व माई मदर मीन्स प्रोटेक्ट माई मदर एंड गिव हर स्ट्रेंथ मीन्स उसे ताकत दीजिए. एंड हेल्थ और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए. फॉर मेनी अ ईयर, कई सालों तक. ठीक है, वो भगवान जी से नहीं बोल रहा है कि मुझे गाड़ी दे दीजिए, मुझे एक बड़ा सा घर दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. नहीं, एक सिंपल सी प्रार्थना वो अपने परिवार वालों के लिए कर रहा है. पहले तो वो अपनी माँ के लिए भगवान से बोल रहा है कि भगवान जी आप मेरी माँ को प्रोटेक्ट करिए और उसको बहुत ही ताकतवर और हेल्दी बनाइए. ठीक है, एंड ओ प्रिजर्व माई फादर टू. एंड ओ गॉड, हे भगवान आप मेरे पिता को भी प्रिजर्व करिए, उनकी उनको प्रोटेक्ट करिए. एंड मे आई पे हिम रेवरेंस ड्यू. ठीक है, अब पोएट कह रहा है कि मे आई पे, यू नो, रेवरेंस. रेवरेंस का मतलब होता है डीप रेस्पेक्ट. मैं अपने फादर को बहुत, मतलब अपने तहे दिल से, अपने मन से मैं उनको सम्मान दे सकूं. एंड मे आई बेस्ट थॉट्स एम्प्लॉय. ठीक है, मे आई बेस्ट थॉट्स एम्प्लॉय का मतलब हुआ कि जो मेरे सबसे अच्छे विचार हैं मैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकूं. टू बी माई पेरेंट्स होप एंड जॉय. और ये जो बच्चा है वो अपने माता पिता की उम्मीद बनना चाहता है और उनके लिए खुशी बनना चाहता है. वो भगवान से फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी मैं अपने मम्मी पापा की खुशी रहूं और उनकी उम्मीद रहूं, है ना. नाउ अगेन द चाइल्ड इज प्रेइंग, ओ प्रिजर्व माई ब्रदर स्लोथ. ठीक है, अब अभी वो ये कह रहा है कि विश, हम जो मेरा भाई है उसको भी प्रोटेक्ट करिए फ्रॉम इविल डूइंग्स, है ना, कुछ भी जो गलत ना कर पाए वो, है ना, उसे बुराइयों से दूर रखिए. एंड फ्रॉम स्लोथ एंड फ्रॉम लेजीनेस, वो आलसी ना बने कि दिन भर यहाँ एक जगह बैठा है, कुछ एक्टिव ही नहीं है. ऐसा नहीं हो, वो बहुत एक्टिव रहे और हमेशा अच्छे काम करे, कभी भी बुरे कामों में इंडल्ज ना हो. एंड मे वी ऑलवेज लव ईच अदर, और हमेशा भगवान आप ऐसा करिए कि हम सभी लोग जो परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे से हमेशा बहुत प्यार करें. आर फ्रेंड्स आर फादर एंड आर मदर. ठीक है, जो प्यार एक दूसरे से प्यार करें, अपने दोस्तों से प्यार करें, अपने पिता से और अपनी माँ से. एंड स्टिल, और फिर भी, ओ लॉर्ड टू मी इम्पार्ट. इम्पार्ट मीन्स टू मी गिव, है ना, मुझे दीजिए एन इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट, है ना, मुझे एक इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष, जिसमें किसी भी तरह की कोई बुराई ना हो, और एक ग्रेटफुल हार्ट मीन्स एक हार्ट जो हमेशा ग्रेटफुल रहे. एंड आफ्टर माई लास्ट स्लीप आई मे अवेक, और जब अपनी अंतिम नींद के बाद मैं जब भी उठूँ, टू द इटर्नल डे मीन्स ये लॉन्ग लास्टिंग डे हो. तो दिस इज़ वेरी यू नो ब्यूटिफुल पोएम, क्योंकि एक जो बच्चा है
वो भगवान से ये नहीं बोल रहा है कि मेरे पास मटेरियल वेल्थ आ जाए, वो बस ये चाह रहा है कि उसके घर के जितने भी मेंबर हैं, सब जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे खुश रहें, सभी अच्छे रहें, सभी एक्टिव रहें, वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर पाए और वो अपने मम्मी पापा की प्राइड भी बनना चाहता है। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट वर्ड मीनिंग्स। लिम्ब्स का मतलब होता है आर्म्स एंड लेग्स ऑफ अ पर्सन। ग्रेस का मतलब होता है जो एक गुण हमें ईश्वर ने दिया है। प्रिजर्व का मतलब होता है मेंटेन इन एग्जिस्टिंग और ओरिजिनल स्टेट, इसका मतलब प्रोटेक्ट भी होता है। रेवरेंस का मतलब होता है डीप रेस्पेक्ट। एम्प्लॉय का अर्थ होता है यूज यानी कि इस्तेमाल करना। स्लोथ मीन्स लेजीनेस, इम्पार्ट मीन्स गिव, एंड इटर्नल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर एवर। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। द पोएट प्रेज टू गॉड, है ना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे गॉड। टू प्रिजर्व हिज मदर, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, मदर, MOTHER, ठीक है। नाउ एंड गिव हर वॉट, स्ट्रेंथ, सो स्ट्रेंथ इज करेक्ट ऑप्शन, STREENGTH, ठीक है। द पोएट प्रेज दैट ही मे हिज फादर रेवरेंस, सो रेवरेंस इज करेक्ट ऑप्शन। लाइक एनी अदर चाइल्ड द पोएट वॉन्ट्स टू बी हिज पेरेंट्स प्राइड, यहाँ पे सबसे पहले तो हम होप एंड प्राइड, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है कि वो अपने माता पिता की उम्मीद बनना चाहता है और उनका सम्मान या उनका गर्व भी बनना चाहता है ना। नाउ नेक्स्ट इज वी शुड लर्न टू बी ऑलवेज लविंग टू आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इज करेक्ट ऑप्शन, एंड फैमिली। द पोएट प्रेज टू गॉड इन द एंड फॉर एन इनोसेंट एंड ग्रेसफुल हार्ट। So this chapter is completed. If you like the video, please let me know. Bye everyone. Thanks for watching.